कोई मुस्लिम आके उसके सामने पकड़ के बोलो जय श्री राम, ये हमारा धर्म नहीं करता है। क्या नाम है? कृष्णा राज कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू बिल्कुल। भैया से हम एक चीज पूछना चाहते हैं, ये कट्टर हिंदू भैया हमारे, ये भगवान श्री राम का पूरा नाम बता दे। भगवान श्री राम का पूरा नाम पूछ रहे हैं। श्री राम ही है। ये मुस्लिम है। दशरथ राघव। दशरथ राघव का फुल नाम। ये कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू। ये देखिए, जहाँ एग्जाम से पहले उत्तर प्रश्न का उत्तर मिल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, और हर भर्ती को भेज देंगे केस में फार्म तो भरी उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे राम मंदिर बनाया, ठीक है। दूसरा धारा 370 हटाया जो 70 साल से लटका दिया था कांग्रेस ने। हम जिसका भी गाते थे बाढ़ में गया मोदी गाता था, मेरी आंखें खुल गई मेरी आंखें खुल गई। मैंने देख लिया, एक मिनट काला सच देख लिया मैंने आज। क्या सच? हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है। सही वाला मोदी जी करा रहे। हाँ। ऊंची खाट फटी लंगोट मर गया देकर भाजपा को, सोचा था फटी हुई बनियानी में नया सल्ट आएगा, क्या पता था कि पतलूम भी उतर जाएगा। एक सच्चाई बात मैं बता देता हूँ, हम हिंदुओं के लिए ना मजबूरी बन गया मोदी। अगर सही बात मजबूरी क्यों? जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो भी जानता है मजबूरी है, इसलिए हम हिंदुओं को बहुत बहुत छला है उसने। पंजाब के लोग ये बोले कि किसने छला है? मोदी जी ने। जी भी तो आप तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे हिंदुओं को छला है। भाई जिस मुद्दे पे हमने उसे वोट दिया था वो काम उसने नहीं पूरा किया। यही सब मुद्दे पे हमने वोट दिया था उसे, ये डीजल पेट्रोल वास्ते हमने वोट नहीं दिया था। अच्छा, वो सस्ता हो उससे मतलब नहीं है। यूसीसी अभी तक रोजगार से भी मतलब नहीं है। नहीं, यही सब बातें वोट दिया था हमने। जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। हम लोग तो भाईचारा से रहना चाहते हैं। हम लोग को भाई कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू है मुस्लिम, हमको भाईचारा। क्या नाम हुआ आपका? हमको कोई जी, मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू है। क्या नाम है? कृष्णा राज कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू बिल्कुल। क्या मतलब होता है? बताइए कुछ। जो अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है वही उसे, मतलब धर्म के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है उन्हें सेकुलर कहते हैं, और जो आवाज़ उठाता है उसे कट्टर कहते हैं। भैया से हम एक सवाल पूछ, सेकुलर और कट्टरवाद की इन्होंने डेफिनेशन बताई। भैया से हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, ये कट्टर हिंदू भैया हमारे, ये भगवान श्री राम का पूरा नाम बता दे। मर्यादा भगवान श्री राम का पूरा नाम पूछ रहे हैं। फिर राम ही है। मैं मुस्लिम है। दशरथ राघव। दशरथ राघव उनका फुल नाम। ये कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू। ये देखिए, रघुपति भी कहते हैं, राघव भी कहते हैं, बहुत बहुत नाम है उनके। हम तो सनातन धर्म से हैं। हम सनातन धर्म वो कहता है किसी दूसरे धर्म को अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। अपने धर्म की प्रचार करिए, ना कि किसी दूसरे को सामने रख के कोई मुस्लिम आदमी उसके सामने पकड़ के बोलो जय श्री राम, ये हमारा धर्म नहीं करता है। हम भाईचारे से रहना चाहता है, वो धर्म कहलाता है हमारा। ये नहीं कि हम किसी को भी पकड़वा लिए, गोली मार दिए, जब बोलो जय। ये भी तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो अब तक तो क्या से क्या हो जाता, घर छोड़ना पड़ जाता और कब्जा हो जाता, इस तरीके की बातें भी लोग कहते हैं। प्रधानमंत्री नहीं होते तो हमको घर छोड़ना पड़ जाता। आप ये बताइए मीडिया पत्रकार साहब, जब हमारा एक राष्ट्रपति मुसलमान था और एक हमारा सिख प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे धर्म को खतरा नहीं हुआ? अरे पूरा अमित शाह हिंदू है। कश्मीर छोड़े थे ना, इसे बताओ, कश्मीर छोड़े थे ना वहाँ के हिंदू पंडित, बंगाल अभी छोड़ रहे हो ना, केरल छोड़ रहे हो ना, यू छोड़। केरल से बहुत हिंदू छोड़ रहे हैं, आपको क्या पता है? अखिलेश यादव के राज में यूपी कैराना हो गया, बहुत से जिले से ऐसे है जहाँ से छोड़ रहे थे हिंदू। अभी योगी जी आ गए उससे खौफ से, मतलब योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक नंबर वाला काम। अच्छा काम बताइए, उनका बढ़िया काम बता दे। अच्छा बढ़िया काम, एक काम बता दीजिए। यहाँ पे लड़की छेड़ो, अगले चौराहे पे यमराज पे बैठ करा दिए जाओगे। यूपी में हिम्मत है तो पत्थर मार के देखो, अगले शाम को ही बुलडोजर चल जाएगा। बिल्कुल, पूरा भ्रष्टाचार मिटा दिया जोगी ने, यूपी का नाम ही बदल दिए हैं सब। जहाँ एग्जाम से पहले उत्तर प्रश्न का उत्तर मिल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, और हर भर्ती को भेज देंगे केस में फार्म तो भरी उत्तर प्रदेश में। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अब इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने लड़की का जिक्र किया, मतलब अगर यहाँ पर लड़की छेड़ोगे अगले चौराहे पर उसे सजा मिल जाएगी। मणिपुर में तो लड़कियाँ हमारी कहना भी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में सर जो बीएचयू वाला कांड हुआ था वो भाजपा के ही लोग थे, वो भी कट्टर हिंदू थे। कट्टर हिंदू थे, आरएसएस के लोग थे वो। भैया क्या नाम है आपका? नाम भूल गया। कृष्णा कट्टर हिंदू भाई, जो बीएचयू में कांड हुआ था जो लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था, उनके अब तक गोली क्यों नहीं लगी? हमें तो हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं है। संदेश खाली में बोल दो, संदेश खाली के बारे में क्या राय है? संदेश खाली के बारे में बोलेंगे, उसने अगर गलत किया उसे सजा मिले, हम गलत को गलत बोलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे बीएचयू का हमें पता नहीं, कांग्रेस ने गलत किया हम उसको भी गलत कहेंगे। आम आदमी ने मोदी जी के 10 साल देखे, कुछ अच्छे काम गिनवाइए, क्या बेहतर काम लगे आपको? बिल्कुल, मैं तो दिन भर लग जाएगा पर दो चार दिन भर छोड़ो, सबसे बड़ा मुद्दा 500 साल से जो अटका था
जो लटकाए थे कांग्रेस ने, 22 वकील खड़ा कर दिए थे राम मंदिर के खिलाफ। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे राम मंदिर बनाया, ठीक है। दूसरा धारा 370 हटाया, जो 70 साल से लटका दिया था कांग्रेस ने, ठीक है। आज पत्थरबाजी पूरे भारत में हो रहा था, हर जगह। अभी हनुमान जन्मोत्सव है ना हमारा, अभी पत्थरबाजी बंगाल में होता, केरला में होता, हर जगह होता। लेकिन जहांगीरपुरी में हुई है, जहांगीरपुरी में हुई है, आज हुआ है। हाँ, रैली को रोका गया, सर्च मार, पुलिस वाले मार रहे हैं, पथराव हुआ जहांगीरपुरी में, रोका क्यों नहीं? जब क्यों एक नहीं हुए, ये बताओ मुझे। तो यहाँ केजरीवाल का सरकार है ना, यहाँ केजरीवाल बीजेपी की है, मोदी के अंडर में आती है ना। क्यों नहीं होता पहले आप बताइए, दिल्ली में क्यों होता है आप ये बताइए, दिल्ली में क्यों होता है? दिल्ली भारत में नहीं आता, दिल्ली भारत में नहीं आता है, बोलियो। देश की राजधानी है ना दिल्ली, जहाँ जहाँ बीजेपी रहती है वहाँ क्यों नहीं होता? योगी जी देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एमपी में आप देख लीजिए, किसके मोहन यादव जी हैं, वहाँ पे क्यों नहीं होता? दिल्ली में क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली में पुलिस वाले भी मनमानी कर रहे हैं और सरकार जो थी वो भी मनमानी करती थी। पूछो जरा मोदी, मोदी का मोदी ने घेरी है। आप किसका गाते थे अभी तक? हम जिसका भी गाते थे, बाढ़ में गया मोदी गाता था, मेरी आंखें खुल गई, खुल गई मेरी आंखें, खुल गई, मैंने देख लिया, एक मिनट काला सच देख लिया मैंने आज। क्या सच? अरे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है, सही वाला मोदी जी करा रहे। हाँ, मोदी जी हिंदुओं पर सरकार तो उसी की है, सरकार तो उसी की है, रोक लेता, रोका क्यों नहीं? पुलिस वाले ठंडे लेके यूं खड़े थे पड़वों की डाल में, रोका क्यों नहीं गया? अरे भाई कुछ नहीं है, मोदी फोदी है सरकार प्रकार, सरकार में हिंदू शेर हो गया, जाग गया। अरे भाई इतने दिनों से कहा थी सरकार, आज कहां गया वो शेर? एक बंदा पुलिस वाले यूं घसीट के ले आ रहे हैं, उसे रोक रहा है वो बंदा, इसे मुसलमानों को जो पथराव कर रहा है, जो भी था उसे मार रहे पुलिस वाले, उसको क्यों नहीं बचाया? शेर है तो ये बताओ, मैं आप कल का अखबार पढ़ना, जहांगीरपुरी में किस तरीके से उस बंदे को मारा है, जब आप समझोगे पुलिस ने। आप क्या कह रहे हो? ऊंची खाट फटी लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट, सोचा था फटी हुई बनियानी में नया सल्ट आएगा, क्या पता था कि पतलुम भी उतर जाएगा। कौआ सावन में नाचे तो मोर नहीं बनता, कौआ सावन में नाचे तो मोर नहीं बनता, और हर कोई दाढ़ी रखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता, और हर कोई गंजा चालक नहीं बनता। पता क्या मतलब जानते हैं? आप एक बात बताइए, विश्व गुरु बनने वाले हैं आप, फटे लंगोट की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने वाले? अरे विश्व गुरु बनाने के चक्कर में देश को तो इनसे संभाला नहीं जा रहा है, विश्व गुरु की बनाने की बात कर रहे हैं, कौन संभालेगा देश को? अरे मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी जी वहाँ पर जाए नहीं, एक बार अपना शकल तक दिखाने नहीं गए, वो बड़ी विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, अपना भाई कृष्णा कट्टा। हां भाई तबियत खाली के बारे में पूछ लो उससे, ये कहते हैं बुलेट प्रूफ ट्रेन चल गई, इनके पापा बैठेंगे 1500 रुपए की टिकट लेके, पूछिए लव जिहाद के बारे में पूछ लो, कर्नाटक में जो हुआ लव जिहाद कह रहे हैं तो यूपी में नहीं हो रहा, कर्नाटक कहां हो रहा है? बहुत हो रहा है, दिल्ली में साहिल बड़वे नगर, अभी तुम लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्या नाम है? एक सच्चाई बात मैं बता देता हूँ, हम हिंदुओं के लिए ना मजबूरी बन गया मोदी, अगर सही बात मजबूरी क्यों जी बिल्कुल, वो भी जानते हैं मोदी जी भी जानते हैं हम मजबूरी है, आप मजबूरी में, एक मिनट आप मजबूरी में वोट बता रहा हूँ, कैसे आप मजबूरी में वोट दे रहे हैं जी, कैसे थे वो बता रहा हूँ, मोदी जी भी जानते हैं कि ये सारे विपक्षी दल मतलब भट्टाचारी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, राम विरोधी पार्टी है, तो अब हम ही बचते हैं, हमें ही वोट देंगे ये हिंदू और क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए वो भी जानता है मजबूरी है, इसलिए हम हिंदुओं को बहुत बहुत छला है उसने, पंजाब के लोग ये बोले कि किसने छला है मोदी जी ने, अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे हैं हिंदुओं को छला है, भाई जिस मुद्दे पे हमने उससे वोट दिया था वो काम उसने नहीं पूरा किया, 10 करोड़ बांग्लादेशिया को अभी तक नहीं भगाया है, हमारा मथुरा काशी का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं किया है, हमारा हिंदू राष्ट्र अभी तक घोषित नहीं किया है, गौ हत्या अभी भी हो रहा है, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, गौ हत्या अभी भी हो रहा है, हिंदू राष्ट्र से क्या पहले आगे तो सुन लो, लव जिहाद अभी भी हो रहा है, लव जिहाद बंद नहीं हो रहा है, धर्मांतर अभी भी हो रहा है, धर्मांतर बंद नहीं हो रहा है, यही सब मुद्दे पे हमने वोट दिया था उसे, ये डीजल पेट्रोल वास्ते हमने वोट नहीं दिया था, अच्छा, वो सस्ता हो उससे मतलब नहीं है, यूसीसी अभी तक रोजगार से भी मतलब नहीं है, नहीं नहीं यही सब वास्ते वोट दिया था हमने, जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक लागू नहीं हुआ, इतने सारे काम अभी तक नहीं हुआ, यही सब कारण वोट दिया था हमने, लोग तो ये कहते हैं ना कि रोजगार आए देश में, महंगाई कम हो, इस पर आप वोट नहीं करते? नहीं।